प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को रोकना चाहती है। कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धारा 370 को बहाल करने के पक्ष में है। तो वहीं उन्होंने पिछले 5 सालों में जम्मू और कश्मीर में हुए विकास का ब्यौरा प्रस्तुत किया और बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस चुनावी घोषणा पत्र का भी समर्थन किया था जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही गई थी। कश्मीर की अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती है। क्यों भाई? आपकी और पाकिस्तान की जो सोच है कश्मीर को लेकर वो एक जैसी क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी कश्मीर की अलग आइडेंटिटी के प्रस्ताव पे आज समर्थन दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? उसके विचार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से क्यों मेल खा रहे? आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि जो आज देश की एकता के लिए खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के पक्ष में जो लोग खड़े थे, जो विधायक विधानसभा में शांति के पक्ष में खड़े थे, उन्हें मार्शलों के माध्यम से क्यों आपने बाहर भेजा? और तो और ये सब यही खत्म नहीं हुआ। धारा 370 और 35 ए के काले साये से कश्मीर और जम्मू दोनों कब के निकल चुके हैं, पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें वापस उस काले साये में धकेलना चाहती। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराएंगे। केवल 5 साल के अंदर मोदी सरकार ने एक उचित तरीके से भारी मतदान के साथ विधानसभा चुनाव कराए। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को रोकना चाहती है। कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धारा 370 को बहाल करने के पक्ष में है। तो वहीं उन्होंने पिछले 5 सालों में जम्मू और कश्मीर में हुए विकास का ब्यौरा प्रस्तुत किया और बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस चुनावी घोषणा पत्र का भी समर्थन किया था जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही गई थी। कश्मीर की अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती है। क्यों भाई? आपकी और पाकिस्तान की जो सोच है कश्मीर को लेकर वो एक जैसी क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी कश्मीर की अलग आइडेंटिटी के प्रस्ताव पे आज समर्थन दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? उसके विचार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से क्यों मेल खा रहे? आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि जो आज देश की एकता के लिए खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के पक्ष में जो लोग खड़े थे, जो विधायक विधानसभा में शांति के पक्ष में खड़े थे, उन्हें मार्शलों के माध्यम से क्यों आपने बाहर भेजा? और तो और ये सब यही खत्म नहीं हुआ। धारा 370 और 35 ए के काले साये से कश्मीर और जम्मू दोनों कब के निकल चुके हैं, पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें वापस उस काले साये में धकेलना चाहती। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराएंगे। केवल 5 साल के अंदर मोदी सरकार ने एक उचित तरीके से भारी मतदान के साथ विधानसभा चुनाव कराए।